दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। राम बिलवा रोड में राजपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास के छात्र छात्राएं छात्रावास से गेट तोड़कर निकले। बड़वानी के लिए पैदल बड़वानी जा रहे छात्र छात्राओं ने ग्राम बिलवा रोड पैदल पहुंचने पर अधिकारियों द्वारा उन्हें रोकने पर हंगामा खड़ा कर दिया और बच्चे अपनी मांगों को लेकर बिलवा फाटे पर बैठ गए। मांगों को पूरा करवाने नारेबाजी करने लगे। घटनाक्रम की जानकारी लगते ही SDM जितेंद्र कुमार पटेल और राजपुर तहसीलदार भी पहुंचे और उन्हें रोड पर ऐसा प्रदर्शन नहीं करने की समझाइश देकर साली फाटे स्थित आ रहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर ले जाया गया और उनकी समस्याओं को सुना। लेकिन जिद पर अड़े बच्चे बड़वानी पहुंच कलेक्टर को अपनी मांगों और समस्याओं को बताने के लिए अड़ गए, जिसके उपरांत उनमें से कुछ छात्र छात्राओं को बड़वानी कलेक्टर से मुलाकात करवाने के लिए तहसीलदार के वाहन से रवाना किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश अखाड़े, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। का ये यहाँ पेट्रोल पंप पे बैठे क्या दिक्कत क्या आ रही है? हमारी ये समस्या है कि हम 3 साल से हमारे को गणवेश नहीं दी गई, खेल सामग्री नहीं दी गई, हॉस्टल में हमको बेडशीट गद्दे वगैरह नहीं दिए गए और जो हमारा स्टेशनरी का सामान नहीं दिए गए और पुस्तकें हमको MP बोर्ड की पढ़ाई जा रही है जबकि CBSE हमारी स्कूल है और स्पोर्ट का जो सामान आया था वो भी हम वापस पहुँचा दिए थे। क्या मांग क्या है अभी हमको कि हमारे 3 साल से जो भी हुआ ना, जो मतलब हफ्ता हुआ उसका पूरा हमको भुगतान चाहिए। हमारे हमने एक महीने से हम पहले भी 11 तारीख को हमने भी आए थे, रोड पे आए थे, जब भी मतलब SDM सर ने हमको आश्वासन दिया था कि मतलब तुम्हारा निराकरण करवा दूंगा, जब भी सर ने नहीं करवाया, अभी तक नहीं करवाया, हमारा निराकरण अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हमको आज आना पड़ा यहाँ पे कलेक्टर साहब से मिलने के। अभी कहाँ से आए आप पैदल? हम जिले की कुछ बालिका लगातार जो है हॉस्टल छोड़कर बाहर आ रही है और पैदल आ रही है। जैसे राजपुर का मामला देख लो या पांचमन का मामला, सर क्या है पूरा मामला? इसमें पूर्व के जो प्रिंसिपल या अधीक्षिकाएं हैं उनके द्वारा वर्तमान प्रिंसिपल और अधीक्षिकाओं के साथ में कुछ जो पूर्व में गलतियां की हैं वो गलतियां उजागर होने से आपस में विरोध किया जा रहा है। सर ये पहले जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार पिछले प्राचार्य के द्वारा किया गया था जिसकी जांच हुई है और उनके विरुद्ध उनको निलंबित किया गया है और शेष उनकी वसूली आदि कार्रवाई चल रही है, वो शीघ्र करेंगे हम। सर यदि जो अधीक्षक वगैरह दोषी अगर पाए जाते हैं तो क्या सर उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया है? शासकीय धनराशि का बिल्कुल FIR अभी दर्ज नहीं हुई है क्योंकि उनको एक सुनवाई का अवसर दिया जाता है, उसके बाद उनके विरुद्ध भी ये कार्रवाई भी होगी। सर पहले कोई और कुछ मांग थी जैसे सर कोई CBSE वाला कोई मामला था? ये CBSE बोर्ड का जो बता रहे हैं ये मेरे संज्ञान में नहीं था, पिछली बार जब ये इनके पालक आए थे उन्होंने बताया है, तो वर्तमान में CBSE पैटर्न पर ही पढ़ाई करवा रहे हैं खन्ना जी और पिछली जो प्राचार्य थी पद्मा उनके द्वारा अगर MP बोर्ड की पढ़ाई कराई गई है तो उनके खिलाफ जो आरोप है उसमें एक ही आरोप और बढ़ेगा। सर जैसे छात्रावास है बालिका या बालक छात्रावास है तो सर इसमें जो BRC और BO का दायित्व होता है कि लगातार निरीक्षण करे, तो क्या सर आपने ये देखा है लगातार निरीक्षण क्या सर BRC का दायित्व नहीं रहता इन संस्थाओं में? इन संस्थाओं में BO और प्राचार्य का दायित्व, जो भी जिसका भी BO जो है वो उस समय के रिटायर हो चुके हैं, वर्तमान BO अभी 15 दिन से चार्ज में है, उनके द्वारा अभी निरीक्षण नहीं किया गया है।